सरोकार। बिजली चोरी को लेकर सख्त विद्युत विभाग, 17 लोगों की बिजली चोरी करते पाए गए। बाल गृह केंद्र में बंद किशोर की मौत, परिजनों ने प्रशासन पर उठाए सवालिया निशान। सृजन घोटाले में सीबीआई का एक्शन, दिवंगत मनोरमा देवी के लड़के बहू पर कसा शिकंजा, 3 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा। गाय चोरी करते पकड़े गए 2 चोर, पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल। प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, विकास कार्यों में लापरवाही के लगे आरोप। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। भागलपुर बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस घोटाले की सबसे महत्वपूर्ण किरदार स्वर्गीय मनोरमा देवी के लड़के और उनकी बहू की संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किया गया है। मालूम हो कि 22 तारीख को कोर्ट में दोनों आरोपियों को हाजिर होना था, लेकिन दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वहीं तिलका मांझी स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के इनके 3 मकानों पर नोटिस सीबीआई द्वारा चस्पा की गई है। सीबीआई का एक्शन सामने आया है। दिवंगत मनोरमा देवी के लड़के बहू पर शिकंजा कसा गया है। बता दें, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद नोटिस चस्पा की गई है। सृजन घोटाले में सीबीआई ने एक्शन लिया है। मामला भागलपुर बिहार के सबसे बड़े घोटाला सृजन घोटाले में सीबीआई की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस घोटाले की सबसे महत्वपूर्ण किरदार स्वर्गीय मनोरमा देवी के लड़के और उनकी बहू की संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई की टीम के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? कोर्ट में मनोरमा देवी की बेटे और पुतहू का दोनों का पेशी था, तो उसी समय में मतलब ये दोनों कोर्ट में नहीं पेश होने के कारण उनके घर से नोटिस चिपकाई गई थी। और पहले ही उसी डेट में उनको साफ साफ निर्देश दिया गया था कि इस बार अगर आप कोर्ट में अगर नहीं मतलब आके हाजिर होता है तो आप पे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके कारण नोटिस उनके घर पे चिपकाई गई है। कृष्णा, बहू और बेटे के घर नोटिस चस्पा की गई है, तो अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगे की कार्रवाई अगर अगले डेट में अगर वो नहीं चिपकाया जाता तो उनका मतलब कि घर तोड़ने का भी आदेश या कुर्की जब्ती करने का भी आदेश निकल सकता है। जी, धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारियों के लिए। बेतिया की नरकटियागंज में बिजली चोरी के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर बिजली विभाग के कनीय अभियंता गौतम कुमार द्वारा दर्ज कराई गई है। इस संदर्भ में एसडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा एक टीम गठित कर बिजली चोरी कर रहे लोगों के मकान और दुकान में छापेमारी की गई। इस दौरान नगर के कई इलाके में बिजली चोरी करते 17 लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए सभी लोगों पर 12,12,525 रुपए का जुर्माना लगाते हुए शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
खबर नरकटियागंज से है, जहां बढ़ते ठंड को लेकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था को लेकर नगर का एक प्रतिनिधि मंडल नगर प्रबंधन रितेश कुमार से मिलकर अलाव की व्यवस्था को लेकर मांग किया। इस दौरान लोगों ने नगर प्रबंधक श्री कुमार से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और बढ़ते ठंड को लेकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की। आज हम लोग नगर परिषद नरकटियागंज ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ के सिटी मैनेजर सर से हम लोग मिले हैं। दो चार दिनों से काफ़ी ठंड बढ़ गई है, काफ़ी कुहासे हो रहे हैं, इससे आम जनता लोग त्रस्त हो गई है। तो सर को हम लोग आवेदन के माध्यम से अवगत कराए हैं कि शहर के चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था हो, जिससे आम यात्री आने जाने में उसका लाभ उठा सकें। और सर ने काफ़ी सकारात्मक इस पर कॉल किए हैं और बोले हैं कि आज से कल में निश्चित रूप से इस पर कॉल होगी। साथ ही साथ जो ओवरलोडिंग ट्रक वगैरह चल रही है उसके लिए भी हम लोग सर से बोले हैं कि जाम की समस्या काफ़ी बन रही है, खासकर स्कूली बच्चे जब जा रहे हैं तो बहुत परेशानी हो रही है, शहर में घंटों जाम लग जा रही है। इस पर भी सर ने बताया है कि इस पर मदद की जाएगी, आप लोग इसके लिए आश्वस्त रहें। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां सरकार के आदेश पर रामनगर परिषद के द्वारा हर एक चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की गई है। कृष्ण सिंह नेपाली ने बताया कि ठंडी को लेकर चारों तरफ अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। आने जाने वाले राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसको देखते हुए नगर परिषद के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों गरीब बस्ती में अलाव की व्यवस्था की गई है। सरकारी निर्देशानुसार जैसे कि अब जैसे रैन बसरा हुआ, भगत सिंह चौक हुआ, अम्बेडकर चौक हुआ, भुवनेश्वर चौक हुआ, स्टेशन के पास हुआ, और वार्ड नंबर एक के पास जहाँ हाई मार्शल आर्ट है, लाइट है, वहाँ पे हमने जलावन का व्यवस्था किया है, अलाव का व्यवस्था किया है। सरकार के निर्देश के आलोक में तथा आम जनता की मांग पर, जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर शीतलहर और पाला की स्थिति को देखते हुए नगर परिषद रामनगर द्वारा नगर के प्रमुख चौक चौराहों, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर गरीब बस्तियों में अलाव की व्यवस्था की गई है। और ये जब तक ये शीतलहर की स्थिति रहेगी, नगर परिषद द्वारा अलाव की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। भागलपुर में बाल गृह केंद्र में बंद एक 17 साल के किशोर रोशन कुमार की तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसकी अचानक तबियत खराब हुई थी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक किशोर के परिजनों का कहना है कि जब हम लोग खगड़िया बाल गृह में अपने बेटे रोशन से दो दिन पहले मिलने गए थे, तब वह स्वस्थ था, हम लोगों की उससे बात भी हुई थी, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ना और इलाज के दौरान मौत हो जाना, यह प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के देवी स्थान में गाय की चोरी करते हुए दो चोर रंगे हाथ पकड़े गए। मामले में शिकारपुर थाना में FIR दर्ज कराई गई है। पकड़े गए दोनों चोरों की पहचान गौनाहा थाना क्षेत्र के मौजे माधोपुर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज TP वर्मा कॉलेज की महिला फुटबॉलर पल्लवी कुमारी को बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का सीनेट मेंबर बनने पर एक समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत राय ने की। इस दौरान सभी ने सीनेटर पल्लवी को माला, अंग वस्त्र और ब्लेजर देकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं खेल निदेशक सुनील वर्मा ने बताया कि पल्लवी शुरू से ही मेधावी खिलाड़ी रही है, अपनी मेहनत और कठिन अभ्यास की बदौलत उन्होंने यह मुकाम पाया है। पल्लवी इससे पूर्व नेशनल लीग मैच और विश्वविद्यालय मैच खेलकर विभिन्न प्रकार के सम्मान से सम्मानित हुई हैं। खबर हिसुआ से है, जहां रेल की पटरी पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। बता दें, शव के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
बोला वहाँ पे कि आपका बच्चा वहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ से गया, उसके बाद फिर अपना बच्चा को लाया यहाँ, एक्सीडेंटल हालत में पूरा मिल था। ईशा की नमाज पढ़ के निकला और उसके बाद रात में हम लोग 2-3 बजे रात तक खोजते रहे। रात में जब रोड पे खोज रहे थे चारों तरफ, तो हमें पेट्रोलिंग भी मिला, उनसे भी ये बात कही कि हमारी भतीजा कहीं रात में अभी तक आया नहीं, उसी के लिए हम लोग खोज रहे हैं। तो जब सुबह हुई हम लोग नमाज पढ़ के निकले, नमाज पढ़ के निकले वैसे जब मालूम चला कि उधर कुछ है, तो हम लोग जब उधर देखने के लिए गए रेलवे पटरी पर, देखे थोड़ा अफ्तर है, थोड़ा जान है, तो हम पूछे कहा बेटा कोई मारा ना, कोई मारा ना, सिर्फ ऐसे एक बार मुड़ी डुलाया, हाँ अफ्तर हो गया। तो हम लोग उठा के लाए, लाते लाते हॉस्पिटल के द्वारा मृत्यु हो गई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड के नवानी पंचायत के प्रधान पति गिरजू मंडल के खिलाफ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन पर कई तरह के गंभीर और संगीन आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां गांव के विकास में जो भी काम हो रहे हैं उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। SDO शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, BPRO से जांच कराई जाएगी, काम की क्वालिटी सही नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। घाट डुप्लीकेट घाट बन रहा है, घाट का दम रोक कई जय जय आवे, वीडियो आवे, CEO आवे, इसमें सब आवे। घाट का पहले चेक कर लिया, तकर बाद ए पैसा उधान और बेसी घाट बन। मधुबनी के जयनगर के किसान भवन में मधुबनी जिला सरपंच संघ का 14वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, प्रदेश संरक्षक जय सिंह राठौर समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रखंड अध्यक्ष सुजीत शाह की अध्यक्षता और सचिव मोहम्मद जहांगीर हाशमी के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में 11 प्रस्तावों को पारित किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 की कई धाराओं का अनुपालन न्यायालय एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिए। साथ ही इस आयोजन में पुलिसिया रवैये पर भी सवाल खड़े किए गए। जो हमारे प्रदेश से जो आप लोग सब के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप प्रदेश में बैठते हैं और बिहार के विकास पुत्र के नाम से नीतीश कुमार जी से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग एक बार संगठन के माध्यम से उनके पास समय लेके मिलिए। जो आप लोग की कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाइयों को आप बराबर पत्राचार करते रहिए। यदि पत्र के माध्यम से आपको अधिकार नहीं मिलता है तो एक ही रास्ता बनता है, अपना अधिकार लेने के लिए आंदोलन। जब तक आप आंदोलन नहीं कीजिएगा तो फिर इसका जो नींद है वो नींद कभी नहीं खुलेगा।
खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत नूरसराय थाना इलाके के जगदीशपुर तियारी गांव में दहेज की मांग ना पूरी होने पर गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और ससुराल के सभी लोग गांव छोड़कर फरार हो गए। वही मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। जब से शादी लगले बेचारी के परतारते रहले, हम चली गांव में के है सब ओकर बाबू चाचा भाई के बोला ली सकाली से अच्छा से रखबो। ऐसे करते करते आज बीच 6 महीना हो गए, बैसाख में बचा दिया। खबर नालंदा से है, जहां फिजिशियन डे के अवसर पर सभी निजी अस्पतालों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तथा हेपेटाइटिस बी के लिए निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नालंदा, नवादा, शेखपुर, जमुई के मरीजों ने इस शिविर में भाग लिया। बता दें, इस शिविर में डायबिटीज के मरीज लगभग 250 ब्लड प्रेशर के और 222 मरीज एवं हेपेटाइटिस बी एवं सी के 12 मरीज पहचाने में आए। आज पूरे देश में नेशनल फिजिशियन डे के उपलक्ष में जांच शिविर का आयोजन किया गया। उसी तरह अपने जिले में भी सारे फिजिशियन लोग जो हैं उनके क्लिनिक या अस्पताल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जो कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जांच शिविर था। नेशनल फिजिशियन डे के अवसर पे जितने भी बिहार से अपने फिजिशियन हैं सभी के यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस बी एवं सी का आयोजन किया गया। तो जितना भी बिहार से अपने फिजिशियन हैं सारे लोग का डाटा आकलन किया गया, उसमें डायबिटीज के 250 मरीज थे, शुगर के 200, बीपी के 222 मरीज और हेपेटाइटिस बी एवं सी के 22 मरीज। नवादा में चोर ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी करके लाखों की कीमत के जेवर उड़ा ले गए। वहीं उन्होंने एक दुकान के बाद जब दूसरी दुकान को अपना निशाना बनाना चाहा तो लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद चोर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ताला, चैन गेट का ताला तोड़ दिया और केवाड़ी का ताला तोड़ करके यहाँ पे दीवार काट करके हिलने का प्रयास किया गया। क्या है इस तरफ में? इसमें जेवर का दुकान है मेरा। क्या नाम है आपका? साहू, मेरा विकास कुमार नाम है दुकान का, साहू ज्वेलर्स। नवादा में कन्हाई लाल इंटर कॉलेज से एक युवक को परीक्षा देने आए बच्चों को चोरी कराते पकड़ा गया है। गिरफ्तार युवक सचिवालय सहायक के परीक्षा केंद्र पर जनरेटर ऑपरेटर का काम कर रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़े युवक की पहचान आजाद कुमार पासवान के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से गहन पूछताछ में जुटी हुई है। खत्म हो गई थी जो हम कोई वैसा जो है उस प्रकार से किया नहीं, लेकिन अब अभी जो है होता है तो इसलिए जो है ऐसा कोई बात नहीं। कोई महिला कंप्लेन की थी कि आप चोरी करवा रहे थे? नहीं, हमने जो है की बातें की थी हम, और ऐसा चोरी इतना आसान नहीं होता है कि सचिवालय में जो है चोरी करा देना है, वगैरह करा देना है, ऐसा कोई जो है की बात नहीं थी। खबर नवादा से है, जहां नवादा सदर अस्पताल में इलाजरत एक कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें, इस घटना की सूचना के बाद जेल अधीक्षक अजीत कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजन से मिलकर परिजनों को दिलासा दिया। जिसका देहांत हुआ है वह हमारे यहाँ 20 अगस्त को जेल में संसिमन हुआ था। पुराना केस था, एक वर्सलीगंज थाना का 2017 का मारपीट का केस में ये पकड़ा कर आया था। तब से ठीक ठाक रहा था, लेकिन इधर दिसंबर में 10 तारीख से इसका थोड़ा चक्कर आने और बुखार लगने और कमजोरी का शिकायत को लेके डॉक्टर साहब से दिखवाया था। डॉक्टर साहब इसको 5 से 6 दिन तक हमारे हॉस्पिटल में रख कर इलाज किए, लेकिन 15 तारीख को फिर अनुशंसा किए कि सर यहाँ इसका ठीक नहीं हो पा रहा, जो सदर हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत है। तो इनको प्राण रक्षार्थ हेतु हम लोगों ने 15 तारीख को ही सदर हॉस्पिटल में भेजा था। तब से लगातार बंदी यहीं रहकर इलाजरत था, इलाज हो रहा था। इलाज के दौरान ही आज सुबह मुझे 5:30 बजे के लगभग पता चला कि बंदी का देहांत हो।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नवादा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नवादा व्यवहार न्यायालय में दिव्यांग जनों के बीच इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल और लाभार्थियों के बीच श्रम कार्ड का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला जज RNS पांडे ने किया। इस दौरान जिला जज के हाथों दिव्यांगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल एवं लाभार्थियों के बीच श्रम कार्ड का वितरण किया गया। जिला जज ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा की ओर से कामगारों के लिए ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, सभी सामान्य लोगों के लिए, सब जितने भी जरूरतमंद हैं उनका आधार कार्ड, नया आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड में कोई संशोधन हो उसको करने के लिए एक टीम आई हुई है, और विकलांगों के लिए कार्यक्रम दिव्यांगजन के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें आज मोटरेबल साइकिल उन लोगों को दी गई है ऑटोमेटिक, जो बैटरी से चलेगी और प्रदूषण रहित है, सेफ है। खबर रोहतास से है, जहां जेम्स इंग्लिश स्कूल के भव्य ऑडिटोरियम में क्रिसमस के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने कहा कि स्कूल ने बच्चों को प्रगति का अवसर दिया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, और साथ ही उन्होंने उपस्थित छात्रों को क्रिसमस और नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। सहरसा में विगत 2 दिनों से काफी ठंड पड़ रही है। ऐसे में जरूरतमंद लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं या बस स्टैंड में सोते हैं, स्टेशन पर सोते हैं, उनको ठंड को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में सहरसा के DM आनंद शर्मा आधी रात को अपनी पूरी टीम के साथ सदर अस्पताल, रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा, बस स्टैंड पहुंचकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया, जहां सबसे पहले वो सदर अस्पताल पहुंचे और सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच कंबल बांटे, जिसके बाद जिलाधिकारी आनंद शर्मा सहरसा स्टेशन पहुंचे और वहां भी जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किए। काफ़ी बढ़ गई है सिटलेरी का थोड़ा सिचुएशन आ चुकी है, और इसमें जिला प्रशासन सरकार की तरफ से हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, बुजुर्ग महिला या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके पास कंबल नहीं है तो उनको दिया जाए। और आज हम लोग पूरे सहरसा में घूम रहे हैं अलग अलग जगह पर, जहाँ पर भी ऐसे कोई व्यक्ति दिखते हैं उनको कंबल दिया जाएगा और रैन बसेरा भी देखा जाएगा। हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो खुले में सोए, अगर ऐसा कोई भी है तो वो रैन बसेरा में जाके सोएं और शीतलहरी और ठंड से अपना बचाव रखें।
खबर सहरसा से है, जहां खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एक दिवसीय दौरे पर सहरसा पहुंची, जहां उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर चौक के पास शराबबंदी कानून को विफल करने वाले शराब माफिया एवं विपक्षी गठजोड़ की साजिश के खिलाफ प्रतिरोध मार्च कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसके बाद मंत्री ने हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ अम्बेडकर चौक से लेकर शंकर चौक तक पैदल मार्च किया। मार्च इस बात को लेकर है कि बिहार में विपक्ष के द्वारा जो शराबबंदी कानून लागू है उसको लेकर जो एक माहौल बिगाड़ा जा रहा है, और कुछ माफियाओं के द्वारा जो इस शराबबंदी कानून को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में महिला संगठनों के द्वारा एक प्रतिरोध मार्च है। उस प्रतिरोध मार्च में हम सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। किसी भी सूरत में जो विपक्ष के द्वारा कुछ चंद लोगों के द्वारा इस कानून को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर हम लोग प्रतिरोध मार्च आज कर रहे हैं। बाल बच्चा का पढ़े लिए अभी शराबबंदी है, शराब मिले मटका मटका चोरा चोरा बेचे गाली कुची में से बेटा अथी करे शराबबंदी सफल है ना मन है अखनी। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।